अगर हटाई नहीं गई पुलिस द्वारा वो गाड़ियां खोल करके लेके जाएगी। कृपा करके आपकी सभी गाड़ी पार करवा दीजिए। आपसे गुजारिश है अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं होगा कृपया सबको दे दे। सभी एग्जीक्यूटर और रजिस्ट्रार एंट्री के द्वारा हेलो जी हेलो और उसका नंबर है बहुत बढ़िया। मुझे बहुत आनंद आया यहाँ आके। एक साल की मेहनत है ये मियाँ बीवी की, ज्योति जी और मुकेश जी की। बहुत इन्हें मुझे समझाया था कि क्या क्या होने वाला है और आज मुझे समझ में आ रहा है कि वाकई वो होना शुरू हो गया है। एक साल से आई थिंक ऊपर हो गया जो हम लगे हैं कि हार्ट ऑफ आर्ट एक ब्यूटीफुल एग्जीबिशन हो, ऐसी एग्जीबिशन हो जो जो भी आर्टिस्ट इसके साथ जुड़े वो ज़िंदगी भर के लिए जुड़े और हमेशा उसकी ऊँचे जाते जाए, स्तर बढ़ते जाए और फेमस होते जाए, उसकी रेपुटेशन बढ़ती जाए, उसके प्राइस बढ़ती जाए और वो जो आर्ट का पीस हम अपने घर में रखते हैं वो उसकी वैल्यू बढ़ते जाए। तो ये हमारा मकसद था और उसी को सोच के हमने ये स्टार्ट किया। अब ये एग्जीबिशन का पहला दिन था, थर्सडे था, एंड आई थिंक इट वॉज़ ब्रिलियंटली डन। आई एम प्राउड ऑफ देम, दे रियली वर्कड हार्ड एंड उस वो रंग लाएगा, इस 100% श्योर। मेन चीज़ ये है कि ये एग्जीबिशन 3 दिन की है लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी हार्ट ऑफ आर्ट फैमिली पूरी जुड़ दी जाए पूरे देश से, विदेश से, सब जगह से लोग आके हमारे साथ जुड़े और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो कि कोई भी आर्टिस्ट अपनी फ़ोटो यहाँ डालेगा और वो पूरी दुनिया में कोई भी खरीद पाए। ये हमारा एंड का मोटो और मकसद यही है। बट आई थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंटली डन एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, वेल डन। बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। कई आर्टिस्ट हैं जो हैंडीकैप्ड भी हैं। एक लड़का है जिसके हाथ नहीं है, वो पैरों से पेंटिंग बना रहा है लेकिन इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना रहा है। जो भगवानों की पेंटिंग्स थी, जो अलग अलग तरीके की लोगों ने बनाई हैं चीज़ें, चाकोल पेंटिंग, जो आर्ट इंडिया में ख़त्म हो रहे हैं, मधुबनी आर्ट जो बहुत सालों से हम लोग सुनते थे बचपन में, वो भी वापस रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो इट्स ब्रिलियंट। आई थिंक जो स्कल्पचर एक लड़के ने बनाया है बहुत ही बढ़िया। आई थिंक बिहार से था, कहाँ से था वो लड़का? बिहार। उसने बताया कि भाई हमारे पापा जो हैं वो रोटी के लिए लड़ते थे और एक रोटी के लिए लड़ना और रोटी के लिए ज़िंदगी में लड़ते पापा वहाँ पहुँचे और पापा ने बेटे को एक और स्तर ऊपर बढ़ाया और बेटा लड़ते लड़ते सुपरमैन बनने की ट्राई कर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें देखते हैं वो मिलती हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। आर्टिस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग तो एक्टर हैं, एक्टर सब कुछ नहीं है, सारे काइंड ऑफ आर्ट होते हैं। तो ये जो आर्ट है जहाँ लोग अपनी मेहनत से अपनी चीज़ें बनाते हैं, इनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हार्ट ऑफ आर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आर्टिस्ट को खुद की वैल्यू क्या है वो समझ में आना बहुत ईजियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम ऑनलाइन पोर्टल पर उसकी फ़ोटो डालेंगे, उसकी पेंटिंग डालेंगे, चीज़ें डालेंगे, तो सपोज़ उसका प्राइस 45,000 है, इमीडिएटली बिक गया, तो आर्टिस्ट को पता है कि यार मेरा प्राइस इससे ज़्यादा है। अगली पेंटिंग वो 60 में बेचेगा, फिर 80 में बेचेगा। अगर नहीं बिकेगी तो आप बोलेंगे भाई 45 से थोड़ा 5-10 हज़ार कम कर दे, तो 35 में बिक जाएगी। तो दिस इज़ द वे टू गेट योर राइट प्राइस। प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो एक्टर को भी समझ नहीं आता ज़िंदगी भर काम करते करते कि मेरा रियल प्राइस क्या है। लोग कहीं 2-5 लाख ले लेते, हमें बोलते भाई आपको 2.5 लाख दिया, बोला हाँ ठीक है दे दे, लेकिन हमारी प्राइस 5 लाख है हमें पता नहीं चलता। हार्ट ऑफ आर्ट एक ऐसा ज़रिया बनेगा कि एक्चुअल प्राइस लोगों को पता चले। सर, ऐसे टैलेंटेड लड़कों के लिए जैसा अभी आपने जिक्र किया, तो गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इनके लिए?
देखो गवर्नमेंट करती है, मैं बहुत जगह गया तो मोदी जी के फ़ोटोज़ थे, मोदी जी उन्हें सम्मानित कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, बहुत अच्छी फ़ोटो बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है। तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन पैसे गवर्नमेंट अभी नहीं दे सकती ना। वो गवर्नमेंट एक स्कूल में कुछ थोड़ा सा वो करा सकती है कि भाई फ़ंड है, वो स्कूल को रिवाइव कर दिया, स्कूल को कुछ ग्रांट दे दी। लेकिन आर्टिस्ट की लाइफ बहुत हार्ड है, ये जो प्रोफेशन इन्होंने चुना है इस पर अगर घर चल सके तो बहुत बड़ी बात है। अब मैंने 5 साल की बच्ची देखी है, 5 साल की बच्ची आर्ट बना के बेचारी हार्ट ऑफ आर्ट में आके उसने अपना एग्जीबिशन में डाला है। एक 5 साल की बच्ची, एक 9 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा है, वो तीनों ने एक स्टॉल लिया हुआ है और वो अपने फोटोज डाल रहे हैं। दिख रहा है कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और जब तक वो बड़े होंगे तो वो उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बैंक में काम करते थे, किधर और गवर्नमेंट में काम करते थे, वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और हार्ट ऑफ आर्ट का ज्वाइन किया। तो उन्हें एक मौका मिल रहा है कि एंड ऑफ देयर लाइफ, जो मतलब जो पहले यंग एज में तो कर नहीं पाए क्योंकि पता ये हमारा घर नहीं चला पाएगा, पर वो गलत है। एक आर्टिस्ट का घर यंग एज में और उसकी वैल्यू भी मरने से पहले अगर उसे समझ में आ जाए तो इट्स ब्रिलियंट, और दैट इज़ हार्ट ऑफ आर्ट का मकसद कि वी विल ट्राई एंड अचीव दैट। एब्सोल्यूट स्ट्रगल है, और आर्टिस्ट मोस्टली देखा जाए MF हुसैन जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो मतलब उनकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, वो चले गए लेकिन वो आर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही होता है, आर्टिस्ट की वैल्यू उसको यंग एज में मिल जाए, उससे पैसे उसके घर चलाने में वो टाइम पे मिल जाए तो बहुत बेटर है। तो इफ़ यू रियली टैलेंटेड यू मस्ट गेट योर वैल्यू फॉर द मनी फॉर दैट आर्ट इन योर लाइफ। बाद में आपके बच्चे उसके साथ मज़े करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही हो जाए ये हमारा मकसद है। ट्राई कर रहे हैं कि हमें सबकी वैल्यू पता चले और हम सबकी वैल्यू बढ़ा सकें। उनको ब्रांड क्रिएट, हमने ड्राइंग की है बहुत ही घटिया तरीके से। हमने ये जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ आपने देखी हैं वो सारी हमने स्कूल में सीखी हैं। जब नॉए स्कूल में हमें बना के ये फ़ोटो रख के बोलते भाई ये बनाओ, तो हमने बड़ी कोशिश करते थे लेकिन कसम से बड़ी घटिया सी फ़ोटो बनती थी। और ये जो मधुबनी आर्ट है ये भी हमने सीखा है स्कूल में, तो उसीलिए हमें पता है कि इनकी कदर होनी चाहिए और इनकी वैल्यू क्या है। क्योंकि हम, मेरी मम्मी को बहुत शौक़ था, रोज़ शुरू हो जाती थी पेंटिंग करने, बोला हाय हाय मैं बेचाँगी पेंटिंग, लेकिन कोई बेच नहीं पाए। हमारे रंजीत अंकल अपनी बेटी की पेंटिंग बना रहे 7-8 साल हो गए, कभी उसके फुल स्लीव कर देते, कभी उसके हाफ स्लीव कर देते, कभी उसकी टी शर्ट का कलर चेंज करते, अंकल ये पेंटिंग कब बनेगी। तो दैट्स हाउ इट इज़ नॉट ईजी। हर आदमी को लगता है मैं पेंट कर सकता हूँ, हर आदमी को लगता है मैं गा सकता हूँ, लेकिन सच बात नहीं है। दैट्स वाई आई वैल्यू दैम। एंड कोई भी चीज़ जो लोगों की भलाई के लिए हो, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, और उसमें अगर आप जोड़ते हो तो ऊपर वाला आपको पुण्य देता है। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि ये हार्ट ऑफ आर्ट से एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है उन कलाकारों की जिन्हें हम पहचानते भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात लेता हूँ, MF हुसैन एक ब्रांड वैल्यू था, मैं जानता था, लेकिन इतने कलाकार है तो मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी नहीं जानते उनके बारे में। तो वो एक ब्रांड क्रिएट हो रहा है इसकी, इस मार्केट की वजह से। कि आज बिंदु भाई ने बोला प्राइज़ कैसे बनेगा, जब वो ब्रांड बनेंगे, वरना पेंटिंग कोई भी करता है, प्राइस कैसे डिसाइड करेगा। आज ये मेरा ब्रांड है, मेरी ये प्राइस है, ये शाहरुख खान है, ये राजन मोदी है, दोनों की प्राइस अलग है, दोनों एक्टिंग करते हैं। तो वो ब्रांड वैल्यू जो बन रही है वो हार्ट आर्ट की वजह से। जो इनके थॉट्स हैं बिहाइंड दिस वेंचर जो ये कर रहे हैं, ये दे आर ब्रिलियंट। आई थिंक ज्योति आपको भी कुछ बताना चाहिए, सही आपका क्या प्लान है? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं वेन्यू से, कि ये लोकेशन में आर्टिस्ट साउथ मुंबई छोड़कर आएंगे क्या। दिवाली से इतना टच हमारा इवेंट है, एकदम नेक्स्ट डे दिवाली है, तो लोग आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे क्या। तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस हमने पिछले एक साल में देखे और उसको पार करने की कोशिश की। आज ऐसा लग रहा है कि शायद हम सच में पार हो चुके हैं अच्छी तरीके से। बस मतलब बता नहीं सकते कि क्या क्या किया है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया है। जी जी, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अभी आज मैं सब स्टॉल पे बिंदु भाई के साथ गया, जिस तरह लोग दुआएं दे रहे थे बिंदु भाई को, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि क्या अनजाने में एक ऐसा काम हो गया जो शायद उस वक्त नहीं सोचा होगा कि किसी के मम्मी पापा आ रहे हैं कि सर
आपने मेरे बच्चे के लिए ये किया, प्लेटफॉर्म दिया, तो मुझे ये लगा कि बिंदु भाई को जिस तरह से दुआएं मिल रही है शायद दूसरे काम से नहीं मिलने वाली थी अचानक से इतना एक हार्ड अवार्ड एक्चुअली ये हो गया। जो जब ये लेके आए मेरे पास, अनिल लेके आया ज्योति जी और मुकेश जी का, बोला भाई ये ऐसा करना चाहते हैं, तो जब मैं इनका जो विजन है वो सुना तो विजन बहुत दूर का है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्ट है, लेकिन जो इनका एक्चुअल जो थॉट है और जिस तरीके से ये जाना चाहते हैं, आओ मुकेश भाई इधर आओ, मेहनती है आप भी आओ, तो जो ये लोग ने सोचा था, जो इन्हें विजुअलाइज किया था, वो अगर आपको पूरा जिस दिन आपको समझ में आएगा तो वो बहुत हाई लेवल है, उसका कोई लेवल ही नहीं है, इट इज बियॉन्ड द स्टार्स। तो मतलब जैसे एक बहुत बड़ा क्रिस्टीज है जो ऑक्शन करता है अलग अलग टाइप की चीज़ें, ये ब्रांड वैसा बनने वाला है कि इंडिया में इट विल बी अ डिफरेंट लेवल। अब सुनील शेट्टी जो बहुत ही ब्रेनी आदमी है, वो कभी अपना नाम कभी अपना फोटो ऐसे देते नहीं है, आप सब जानते हैं सुनील शेट्टी को, बहुत ही ब्रेनी है, तो उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने कहा बिंदु आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, तो दैट इज़ वंडरफुल बिकॉज ऑफ हिम जॉइनिंग अस। अन्ना इज ऑल्सो वेरी वेरी पर्टिकुलर, वो भी एक आर्टिस्ट की कदर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे आज जो बोलते हैं मेरे दिल में शांति हुई है, बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम जब अपना नाम देते हैं अगर वो नाम सही तरीके से यूज़ ना हो तो बहुत दुख होता है। ना आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द हार्ट ऑफ आर्ट फैमिली एंड आई वुड ऑलवेज बी हियर। एक आर्ट से रिलेटेड एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आर्टिस्ट जो इंडियन आर्टिस्ट है वो इंटरनेशनली इतना बूस्ट नहीं कर पाते, तो हमारा मेन मकसद यही है थ्रू द शोज़ एंड ऑल कि हमारे अभी इंडिया में भी बहुत आर्ट बाय होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, काफ़ी करोड़ों करोड़ों में होता है, लेकिन इंडिया में बाहर के आर्टिस्ट का बाय होता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार के आर्ट की कमी नहीं है, या ये आर्टिस्ट उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, इनके आर्ट भी उसी लेवल के, उसी से भी बेहतर भी है आर्ट लेवल। तो ये जो चीज़ है, जब तक वो घर से इनके बाहर निकलेगी नहीं और जब तक इन्हें कोई एक प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, तो ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट है वो बहुत फर्स्ट क्लास है और कहीं भी कम नहीं पड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल से, और इसीलिए हम बहुत सारे इंटरनेशनल शो सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी हमारा द आर्ट ऑफ आर्ट जो है वो अभी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में हो रहा है, हमने दुबई भी डिक्लेयर कर दिया है, हमारा अप्रैल में दुबई में होने वाला है शो जो है, इसके बाद में हम एक और इंटरनेशनल वेन्यू लेंगे, फिर एक और इंटरनेशनल वेन्यू लेंगे, ताकि जब हम छोटे छोटे शोज़ इंडिया में करेंगे और इसमें जो क्रीम जो छनकर निकलेगा उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि इंटरनेशनली आर्ट इंडिया का सेल हो, ना कि इंडियन जो है जाके इंटरनेशनल आर्ट खरीद के ले आए। तो ये एक मकसद है जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी इसलिए हम डायरेक्ट आर्टिस्ट को ही वही ले जा रहे हैं, यहाँ से आर्टिस्ट खुद अपना आर्ट लेकर जा रहा है, तो उसे वही वैल्यू मिलेगी जो उसके आर्ट की है, ना कि कोई बीच में मीडिएटर होगा कि उसने यहाँ से परचेज़ की, और क्योंकि उनको मार्केट ही नहीं पता होता है। अगर हमारे साथ में आर्टिस्ट 2-3-4 शो करेगा तो उसे अपने आप इंटरनेशनल मार्केट पता चल जाएगा, और उसे पता चलेगा कि मेरी इंटरनेशनल वैल्यू क्या है, और वो उसकी मतलब एक